पे जाए, चटपटा सा ट्रेन में तो तीखा ही खाने का मन करता है। मीटर करें लेकिन फिर भी कौन सा जंक्शन आया था कुछ गया ध्यान नहीं, लेटे लेटे फोन चलाता था यार, पता है घर से तो ट्रेन में नेट चल रहा है। अभी हमारी ट्रेन गरीब रथ जो है बरौनी जंक्शन में रुकी हुई है। मैं लेके आई हूँ मटन, दिल से बताऊँ तो मटन भी लेके आई थी, मम्मी ने बना दी। कसम से मेरी मम्मी इतना मानती ना सर, वो तो इंसान के पास रहने से पता लगता है, ये नहीं कि दादी लोगों ने कहा ऐसा नहीं, वो तो इंसान चाहे जितना भी समझा जिसकी जो इच्छा होती है इंसान वही करता है। पूरी सब्जी अच्छा, पूरी सब्जी अच्छा, लेकिन बस गलती पति में है, ठीक है, जो ऐसे करते थे ससुराल वाले तो बहुत सब मानते थे। मेरे बच्चे को आने का मन नहीं था मम्मी के पास से, हर एक एक चीज दिलाया मम्मी ने खाने से लेके पीने तक का। इसका छोटा कप देखो फूक रहा, फूक मार पहले, फूक मार, ओए बाबू फूक एलियन के, मेरा चाय इधर रखा हुआ।
होती अंदर क्या मैसेज समझ गया, लेकिन जब निकलने लोगों मन खराब हो जाता है। जो सूट था घर में जूता पहने थी ऐसे पहने को नहीं थी, मेरी पहन मैंने कहा छोड़ो क्या, शॉल वगैरह था भर ली बैग में, क्या हो रहे थे मुझे ही समझ गया। चलिए बाबू सो रहा है, मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। चटपटा सा ट्रेन में तो तीखा ही खाने का मन कर रहा है, मीटर कर लेकिन फिर भी कौन सा जंक्शन आया था कुछ गया ध्यान नहीं, लेटे लेटे फोन चलाते पता है घर से तो ट्रेन में नेट चल रहा है। चपेट ना स्पून सीट के नीचे गिरा देना, निकालना पड़ेगा। चलिए फैम खाते आते हैं फिर आप लोगों से मिलकर झालमुड़ी खाने के बाद। आप देख रहे हैं मेरी ट्रेन यहाँ पे कितना घूम घूम के आ रही है, दिखी आप लोगों को वो देखो दूर में, नहीं समझ में आ रहा ना वो दिखे दिखा कितना घूम घूम के ट्रेन आ रही है। ट्रेन बरौनी जंक्शन से कौन कौन है कमेंट करके बताओ। अभी हमारी ट्रेन जंक्शन से आप लोग मैं जहाँ से ट्रेन मैंने दिखाया ना आप लोग पहचान गए होंगे, पानी बहुत है ना बरौनी जंक्शन में हमारी बिल्कुल। कौन कौन बरौनी से हमारा ब्लॉग देखते हैं बताइए कमेंट करके, ठीक है चलिए ब्लॉग बनी रही है, नहीं तो आवाज आती रहेगी। अंकल जी सारे लोग बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई झालमुड़ी बेच रहा है, तो कोई कुछ बेच रहा है, सभी का काम है फ्रेंड, ये तो करेंगे ही ना, ये तो इंसान मेहनत करेगा तभी पैसे मिलेंगे। मेरे कहने को तो ये आवाज आएगी, फिर मेरी आवाज आप लोग को नहीं सुनाई पड़ेगी। बस मैं बोल रही हूँ बरौनी जंक्शन से कौन कौन है, अभी हमारी ट्रेन गरीब रथ जो है बरौनी जंक्शन में रुकेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर बाद खाना खाते वक्त। पता है मैं क्या लेके आई हूँ ट्रेन में, मैं लेके आई हूँ मटन, दिल से बताऊँ तो मटन भी लेके आई थी, मम्मी ने बना दी कसम से। मेरी मम्मी इतना मानती है ना, वो तो इंसान के पास रहने से पता लगता है, ये नहीं कि दादी लोगों ने कहा ऐसा नहीं, वो तो इंसान क्या जितना भी समझा जिसकी जो इच्छा होती है इंसान वही करता है। इतना मानती है जैसे मेरी माँ प्यार करती है, बस हाँ थोड़ा बहुत इंसान गुस्सा हो ही जाता है, जब गलत करोगे तो गुस्सा तो होएगा ही, लेकिन मेरी मम्मी गुस्सा कभी, हाँ गुस्सा जब होती है कि मेरी मम्मी का कहने का मतलब ये है कि खुश रहो टेंशन मत लो, ठीक है। जब मैं रो रहा दे रही मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती थी, बात ही नहीं करती मम्मी मेरे से, रोना धोना क्या है, रोता तो क्या है, काम होता है बर्तन मुझे लगता ही नहीं था कि मैं अपने संसार में हूँ, पूरी सब्जी अचार पूरी सब्जी अचार, लेकिन बस गलती पति में है, ठीक है। जो ऐसे करते थे ससुराल वाले तो बहुत सब मानते थे, मेरे बच्चे को आने का मन नहीं था मम्मी के पास से, हर एक एक चीज दिलाया मम्मी ने खाने से लेके पीने तक का बहुत सारी चीज, और भी मम्मी बोली थी ले लो जो जो लेना, मैंने सब मना कर दिया, मैंने कहा ना बात रही मम्मी ने जो हमें ज्वेलरी थी मैंने कई बार बोली ए पिज्जा चाउमीन बिरयानी पूरी सब्जी, अभी मम्मी पहने अभी मम्मी है पिज्जा खाइए चाउमीन खाइए, और बहुत जल्दी आप लोग को सरप्राइज देने वाली हूँ। मैं चंडीगढ़ तो जाऊँगी, लेकिन चंडीगढ़ जाने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग एकदम चौकन्ना हो गए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज है, लग रहा है मेरी दिल की जो करीब है, जो दिल मेरे दिल के पास है, अब मैं बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। अब आप लोग सोच रहे हो रोहन वो तो मेरे दिल के मेरे आत्मा में बसे हैं, लेकिन पति तो पत्नी के हर एक में बसे होते हैं, लेकिन वो तो उनका, लेकिन मेरे दिल के करीब कोई और भी है जिससे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी, बहुत खुश होगी वहाँ जाके ना, आप लोगों को इतनी तसल्ली मिलेगी। ट्रेन लास्ट स्टॉप पे वहाँ तक का मैंने टिकट भी, मतलब कि देखिए भगवान की लीला लग रहा है, अच्छे के लिए हुआ रोहन ने ऐसी हरकत की, बहुत अच्छे के लिए हुआ,
हर रोज मेरे साथ है, लेकिन उसकी एक बात हमेशा मुझे याद रहती है, या तो मैं घर से निकल रही हूँ या तो मुझे बहुत अच्छे के लिए मैं निकली है तो बहुत बुरी, इसलिए मैंने मेरी टिकट वहाँ तक हुई है तो बहुत अच्छे के लिए हुई है तो बहुत बुरे के लिए हुई है। मुझे सरप्राइज तो सरप्राइज होता है कि नहीं, हो तो आप वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, देखो देखो इसको, इसको ट्रेन में भी छबल रही है, ट्रेन में भी छबल उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, उठ, पानी पी, चाय चू पी, क्या भूख लगी है तुझे? दादी ने इतना सारा चीज दिया खाने को, खा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। चाय देख रही है सुबह अभी, चाय ये देखो क्या किया उसमें से डोरिया होती, उसको कैच दिया। ओए बाबू क्या कर रहा है तू? फेंक दिया, चल इधर चल। चाय कम मिले चाय हमें पीने को, ऐसा कर रहा है। मैं ले रही थी, मेरी खराब है, मुझे बार बार ये चाय मिल रही है। अब दिल्ली पहुंची हूँ तब जाके थोड़ी चाय मिल गई, तो ठीक है। चाय पी ली हूँ ले, कुरकुरा नमकीन वाला आ रहा, नमकीन खरीद ली। चल कुरकुरे, हाँ गुड़िया, ये बिटाने के कितने अंकल? 40 रुपए लोगे? छोटा कप देखो, फूक रहा, फूक मार, पहले फूक मार। ओए बाबू फूक कर, एलियन के मेरा चाय इधर रखता हूँ। बस कर, मुंह में भी नहीं के अल क्या खा रहे बाबू? ग्रेप्स खा रहे। स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। कौन सा स्टेशन आया रप्रीत? बाबू कौन सा स्टेशन आया पढ़ के बता रप्रीत। ए रप्रीत छिप खाने में लगा है दिल्ली। गुन्ना हरदोई स्टेशन आ गया फ्रेंड, लखनऊ के बाद जो आया है। तो बताइए हरदोई से कौन कौन है? गुन्ना ओए ओए बापू, रप्रीत क्या खा रहे? कौन से स्टेशन आया? पूछो फ्रेंड्स, आप लोग हरदोई से कौन कौन हो, पूछो।
फ्रेंड्स काफी लोग यहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी मैंने पढ़ा था। अभी हम हरदोई जंक्शन पहुंच चुके हैं, स्टेशन आएगी आगे स्टेशन। ये देखो देखा धुंधला सा दिखा, ऐ अंगूर खा खा के पगला रहा। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बनी रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए। रपीत खा रहा ग्रेप्स, नहीं टूटे थे करता है। एंजॉयमेंट देखो जरा, देखो कर क्या कर रहे। अभी देख रपीत है गुने गुने। तो फ्रेंड सफर तो बहुत लंबा है, लेकिन वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अभी आ गया मुझे लग रहा मुरादाबाद, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि स्टेशन को मैंने अभी देखा भी नहीं कहाँ है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आउटर की ट्रेन चल रही है। देखिए आप लोगों को ऐसे, तो वीडियो को लंबा ना करते इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ दादी ने एक 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 किलो नहीं डेढ़ किलो अंगूर खरीदे, कल से अंगूर खाया जा रहा। अब मारूंगी इसको क्या ट्रेन में, इसको मैं खुद खा रही हूँ, मैं दूसरे को क्या बोलूँ। कैसे मुँह खट्टा खट्टा के बना बना खा रहा। वीडियो रोक देखते कौन सा, फिर बताते आपको। ट्रेन इतना स्लो मोशन में हो गया, ले लग रहा उतर के ही रोकेगा। हाँ रोक दिया ना क्या, कितना रोक दिया। चलिए फिर फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्योंकि ब्लॉग में इसलिए कि ट्रेन का सफ़र तो हमें बिहार चंडीगढ़ आने प्रॉपर पूरे 3 दिन लग जाते हैं, तो इसलिए 3 दिन तक की ब्लॉग 3 दिन पूरे कितने घंटों की हो जाएगी है ना। 48, 46, 47, 48 का पता नहीं 50 घंटों की वीडियो हो जाएगी अगर हमें प्रॉपर बनाती रही तो। तो सिर्फ खाने पर रहता है क्या, भिज्जा भिज्जा कर रहा। अच्छा टांगने के लिए कर रहा, दे 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 दे। चलिए सभी को बाय बाय।